गैड्स हैं या फिर गॉड, लेकिन आपने कमेंट ये दिया है कि शायद बॉटम जो है वो करीब है, ऐसे संकेत आपको मिल रहे हैं कि 18 महीने के कंसोलिडेशन के बाद बॉटम कहीं करीब में नज़र आता है। तो क्योंकि बॉटम एक फेज होता है, वो एक पॉइंट होता नहीं है, तो क्या हम उस फेज में अब उतर चुके हैं और ऐसे आपको कौन से संकेत नज़र आ रहे हैं कि बॉटम करीब ही है? गुड मॉर्निंग अजय। सो मैंने ये नहीं कहा कि जरूरी नहीं कि बॉटम बिल्कुल पास हो, लेकिन अब जो आपको रिस्क एक तरह से असेस करना होता है कि किस साइड पे खतरा ज्यादा है, क्या रिस्क इसका ज्यादा है कि मार्केट में क्रैश होगा, वो खतरा बहुत ज्यादा नहीं नजर आता। और उसका एक मतलब लंबा आंसर भी है, उत्तर भी है, वो भी मैं आती हूँ। और दूसरी चीज ये है कि मार्केट से बाहर रहने में भी खतरा है। कि मार्केट में रहने का खतरा हम लोग सबको समझ में आता है बहुत आसानी से कि मार्केट में रहेंगे लॉस होगा, लेकिन मार्केट में बाहर रहने का जो खतरा होता है वो होता है कि आप एक बड़ा अपमूव मिस कर जाएंगे। तो जो अगर आज अगर हम देखें तो खतरा दूसरे में ज्यादा है कि अगर आप इन्वेस्टेड नहीं रहे तो आप एक बड़ा अप मूव, वो मैं ये नहीं बोल रही कि इसी महीने आ रहा है या दो हफ्ते के अंदर आ रहा है या जो भी, पर अब उसका रिस्क बढ़ता जा रहा है। शायद आपके चैनल पर भी मैंने पहले ये बात समझाई होगी कि जो हम सोचते हैं कि 15-16% रिटर्न ओवर डेकेड्स, जो दशकों में आपका जो 15-16% कंपाउंडिंग इक्विटी मार्केट देती है, या कम से कम इतिहास को देखें तो जब से सेंसेक्स शुरू हुआ है उस तरह का रिटर्न आया है, पर उसमें से अगर आप जैसे अब 40 साल हो गए सेंसेक्स को, उसमें आप जो 10 सबसे अच्छे दिन है उनको निकाल दीजिए तो जो 100 रुपया आपका 44,000 हुआ था, अगर आप 10 दिन निकाल दें 40 साल में तो वो 15,000 हो जाता है। आपका 2/3 रिटर्न चला जाता है अगर आप खाली 10 दिन 40 साल में मिस कर जाएं। और अगर आप 30 दिन, जो कि साल में एक दिन का भी औसत नहीं बैठता है, उतने दिन अगर आप मार्केट में नहीं थे और वो मार्केट ने मूव अप किया तो आपका लगभग सारा ही रिटर्न चला जाता है, वो 100 रुपया खाली 4,000 भी नहीं होता है। तो इतना बड़ा गैप है। तो इसलिए वो रिस्क भी, जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कह लीजिए, रिस्क कह लीजिए, जो भी है, उसको आपको असेस करना पड़ेगा कि अगर आप जितना भी आपको इक्विटी में निवेश करना है, मैं ये कभी भी नहीं कहती हूँ कि आपका जो 100% निवेश है वो इक्विटी में ही हो, लेकिन जो भी आपको निवेश करना है, इस समय मार्केट से बाहर रहने का समय नहीं है। क्योंकि अभी जैसा मैंने कहा, क्रैश का प्रोबेबिलिटी कम है, खतरा कम है, लेकिन बड़ा मूव मिस करने का खतरा ज्यादा है। ये बात बहुत अच्छी बताई आपने कि इस समय पूरी तरह उतर जाना, जैसे बम्बैया भाषा में बोलते हैं कि अगर आपको बोरीवली जाना है तो आप महालक्ष्मी में ही बैठ लीजिए, चर्चगेट टू बोरीवली वाली ट्रेन में। आप अगर वेट करेंगे ट्रेन का तो आपको जगह ही नहीं मिलेगी, इतनी ज़्यादा भगदड़ होगी। तो चेज़ ना करना पड़े आपको प्राइसेस, जब एक मोमेंटम वापस आ जाए इससे अच्छा है 5-10% का डाउनसाइड सह लीजिए और अभी बैठ जाइए बड़े 50% के डाउनसाइड के लिए। देवीना, मैं आपको कंग्रेचुलेट करना चाहूँगा कि इतने ऐसे विषम परिस्थितियों में, इतने डिफ़िकल्ट मार्केट इन्वायरमेंट में भी, और स्टॉक मैनेजमेंट और एसेट मैनेजमेंट अब बड़ा कंपेरेटिव स्पोर्ट बन गया है, आपका जो हाउस है वो आउट परफॉर्म कर रहा है, इसलिए कंग्रेचुलेशंस और बाय अ वाइड मार्जिन भी। लेकिन मैं वो जानना चाहूँगा कि आप तो मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप तीनों में मिक्स एंड मैच करते हैं, ऐसे कौन से आपने कदम उठाए, कौन सी ऐसी तरकीबें आपकी स्टॉक पिकिंग की जिसकी वजह से वो आउट परफॉर्मेंस आ रही है? देखिए, अब हम लोग बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से निवेश करते हैं। फैक्ट हमारे पास पोर्टफोलियो मैनेजमेंट लाइसेंस, पीएमएस लाइसेंस सन 2000 से था लगभग। जी हाँ, और लेकिन हमने ये प्रोडक्ट लॉन्च किया पूरे 20 साल के बाद। आपको आश्चर्य होगा कि 20 साल हमारे, हम पहला बार लाइसेंस लेने से लेके प्रोडक्ट में इतना समय क्यों लगाया। समय इसीलिए लगाया क्योंकि मुझे ये लगता था कि अगर और किसी का पैसा लेना है, अपने पैसे का आप चाहे जैसे निवेश करें, लेकिन अगर किसी और का पैसा लेना है तो आपके पास कोई सिस्टमैटिक तरीका होना चाहिए जिसमें आप कुछ बता सकें कि आगे
कैसे ये सिस्टम परफॉर्म करेगा, ये नहीं कि मेरे जो मन में आया मैंने ले लिया, चाहे उसके पीछे फंडामेंटल एनालिसिस हो तब भी। तो ये मेरा सोचना था। तो अब हमारे पास, हम तो जो यूज करते हैं वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग का सिस्टम है जो हमको एक आप समझ लीजिए सुपर सेट देता है कि वो हमको बताएगा कि ये 70-75 स्टॉक सबसे अच्छे लगते हैं, उसमें से शायद हम लोग 50-55 चूज करेंगे। तो अब ये भी बात है कि हमारा पीएमएस ऐसा है जिसमें, या इवन जो स्मॉल केस है कि जिसमें हम लोग काफी स्टॉक्स रखते हैं, मतलब पीएमएस में 50 के लगभग, इवन स्मॉल केस में 25-30 स्टॉक। क्योंकि हमारा जो सबसे पहली चीज है जो मैं बार बार कहती हूँ कि रिटर्न से भी अधिक महत्वपूर्ण है रिस्क मैनेजमेंट। तो उसके बहुत सारी लेग्स हैं, बहुत सारी चीजें हम लोग रिस्क मैनेजमेंट के लिए करते हैं, और डाइवर्सिफिकेशन भी उसमें एक है कि अगर आपको ये बात अपने पे विश्वास है कि आपका स्किल सेट है तो फिर आप ज्यादा स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेंगे, तो जो आपका स्किल है स्टॉक्स का चयन करने का वो आप निश्चित तौर से लगभग कह सकते हैं कि मैं अगर राइट होती हूँ 65-70% तो वो उसमें कैप्चर होगा। क्योंकि कोई भी फंड मैनेजर, स्टॉक पिकर, इन्वेस्टर 80-90-100% बार सही नहीं होगा, ये बात आप गांठ बांध के रख लीजिए। जैसा आपने बोला मार्केट में बहुत कंपटीशन है, अब बहुत सारे स्मार्ट लोग ये काम करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपका हर चयन ठीक होगा। ऐसा वॉरेन बफेट तक ने कहा है कि 60 सालों में मैंने हजारों निर्णय लिए हैं जिसमें खाली 10-12 निर्णय ऐसे हैं जिससे हमारा सारा रिटर्न आया है एक तरह से। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी कि ये एक सिस्टमैटिक तरीके से और डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, ये दोनों हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट लेग्स हैं रिस्क मैनेजमेंट के। और भी हम लोग बहुत सारे तरीके अपनाते हैं जिससे कि वॉलेटिलिटी कम हो, रिटर्न्स तो है ही, लेकिन पहले वॉलेटिलिटी और ड्रॉडाउन्स को मैनेज करिए। जैसे कि पिछले साल की बात है, जब वो जिस दिन रशिया यूक्रेन वॉर हुई थी उस दिन हमारा मार्केट 5% घटा था, हमारा पोर्टफोलियो 1.6% 1.6% ही घटा था, क्योंकि हम लोग ये सब चीज मैनेज करते हैं। तो वो एक, मैं अब इसमें तो अभी पूरे उसमें नहीं जाऊंगी, पर इन्वेस्टिंग इज अ लूजर्स गेम। सो इन्वेस्टिंग में आपको सबसे पहली चीज जो निश्चित करनी है कि आप बड़ा पैसा ना खोएं। ये बात अच्छी आपने याद दिलाई है, क्योंकि कई बार अक्सर हमारे इन्वेस्टर्स कुछ सेलेक्ट बहुत छोटे कंसंट्रेटेड पोजीशन इतनी ज़्यादा ले लेते हैं कि बाजार के किसी भी उतार चढ़ाव में कैपिटल वाइप आउट होने का रिस्क बढ़ जाता है, जो कि आप इसमें ज़्यादा जोर दे रहे हैं कि ये अवॉइड करना चाहिए। इससे डाइवर्सिफिकेशन और सिस्टमेटिक बाइंग, एक भाव से सारा माल नहीं लेना है अपने को, हमें स्प्रेड आउट करनी है अपनी बाइंग ताकि एक एवरेजिंग अच्छी हो जाए। ये भी आपने अच्छी बात एटलीस्ट दोहराई है हमारे व्यूअर्स के लिए। मैं आपसे एक फंडामेंटल इशू पे बात करना चाहूँगा जो सबसे बड़ी चिंता का विषय था पिछले 18 महीने, राइजिंग इंटरेस्ट रेट्स, उसका इम्पैक्ट लिक्विडिटी पर भी ए, और उसका इम्पैक्ट कॉस्ट ऑफ कैपिटल पर बी। क्योंकि कई हद तक इमर्जिंग मार्केट जैसे इंडिया में जो एक्स्ट्रा लिक्विडिटी आती है, जो टाइड आती है बोर्ड्स को ऊपर लेके जाती है, तो वो जो दो मैटर्स हैं, लिक्विडिटी सिचुएशन ग्लोबली और इंटरेस्ट रेट ट्रैजेक्टरी, जिस तरह से चीजें इवॉल्व हो रही हैं, आपको क्या लगता है इन दो बातों पे? सी, देखिए ये बात हम लोग ट्रैक जरूर करते हैं कि एफआईआई कितना पैसा आ रहा है और लिक्विडिटी से कितना इम्पैक्ट होगा, बट सच्ची बात तो ये है कि आप चाहे एक महीने से दूसरे महीने देखें, चाहे आप साल साल के हिसाब से देखें, तो एफआईआई मनी आया या नहीं आया या कितना आया, उसका बाजार के जो रुख है उस पर बहुत ज्यादा असर पड़ता नहीं है। तो ये तो मतलब ये डेटा की बात है। जी, हमारा जो कुछ भी कहते हैं हम लोग वो डेटा के आधार पर कहते हैं, तो इसीलिए वो डेटा के आधार पर ये तो क्लियर है कि उसका डायरेक्ट असर तो नहीं होता है, मतलब वो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स पे असर होता है, वो सब अलग चीज है। बट मैं कह रही हूँ कि खाली बाजार में पैसा आया और बाजार चला, ऐसा नहीं है। क्योंकि 1994 जब से एफआईआई पैसा आया, वहां से लेके 9 साल 2003 तक मार्केट ने कोई रिटर्न नहीं दिया, रिटर्न एफआईआई का पैसा आने के पहले आ गया था। तो ये बाजार इतना आसान नहीं है। लेकिन जहां तक इंटरेस्ट रेट का सवाल है, हाँ वो तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल को बढ़ाता ही है, और जो पिछले मतलब खास करके 2022 में तो वो भी एक बड़ा कारण था कि विश्व के बाजार बहुत ही खराब रहे, खाली मतलब लगभग सभी बाजार, इंडिया ने तो फिर भी आउट परफॉर्म किया।
तो वो अब ट्रेंड खत्म तो अब नहीं हुआ है, अभी भी मेरे ख्याल से कुछ और भी बढ़त होगी, लेकिन अब काफी कुछ वो आ गया है। अब मतलब उसमें अब मतलब आपका समझ लीजिए पिछले साल भर में अमेरिका में फेडरल रिजर्व ने 4.5% रेट बढ़ा दिए थे, वो तो बड़ा बड़ा मूव हो गया। अब और ये 25 बेसिस पॉइंट और आया, तो ये तो अब मतलब अब एक तरह से आप कहिए तो बाजार को मालूम है, एक तरह से डिस्काउंटेड है, वो थोड़ा बहुत है कि मेरे हिसाब से जितना वहां अमेरिका का बाजार सोच रहा है कि एक ही और हाइक आएगी, शायद उससे ज्यादा आए। मैं उस कैंप में नहीं हूं कि अभी रेट काटना शुरू कर देंगे फेड कुछ महीने में, अनलेस मतलब फिर अगर कुछ और क्राइसिस आई तो वो अलग बात है, बट अदरवाइज तो वो चीज नहीं है। तो वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल को तो बढ़ाता है। भारत का जहां तक प्रश्न है, थोड़ा सा स्थिति थोड़ी इस मैक्रो के हिसाब से आप देखें तो थोड़ी मुश्किल है, क्योंकि इन्फ्लेशन या मुद्रा स्फीति अभी भी हाई है, लेकिन आपका ग्रोथ इतना है नहीं कि आप इंटरेस्ट रेट और बढ़ा सके। एक ऑफ कोर्स जो पॉजिटिव चीज हुई है इंडिया के लिए वो है क्रूड प्राइस कम होना, और क्रूड के कारण बहुत सारे डाउनस्ट्रीम केमिकल्स जो होते हैं कच्चे तेल का, मतलब खाली पेट्रोल और डीजल नहीं होता, लेकिन उसके बाद उस क्योंकि बहुत सारे प्लास्टिक केमिकल्स इन सब से रिलेटेड, और इवन एफएमसीजी में बहुत कुछ जो इस्तेमाल होता है वो सब कच्चे तेल के भाव से उसका लेना देना होता है, और बहुत कुछ वो कम हो रहा है। तो वो एक अच्छी चीज है इन्फ्लेशन के लिए भी, कंपनीज के मार्जिन के लिए, या मतलब वो मार्जिन बढ़ाएं या वो प्राइस कम करें और डिमांड ज्यादा हो, तो वो कंपनी के नतीजों के लिए भी अच्छा है और इकोनॉमी के लिए भी अच्छा है, तो वो थोड़ा सा ब्रीदिंग स्पेस उससे मिलेगा। राइट देवी, ना मैं देखा रहा था कि इंडिया की जो लार्जेस्ट फार्मा कंपनी है वो एक काफ़ी बुरे दौर से बाहर आ गई और धीरे धीरे अच्छा कर रहा है स्टॉक भी। आपके पास भी सन फार्मा का स्टॉक है। मैं स्टॉक पे नहीं पूछना चाहूँगा, लेकिन मैं कुछ बातों पे आपका जानना चाहूँगा कि यूएस में फार्मा एक्सपोर्टर्स के लिए जो प्राइसिंग प्रेशर था उसके बारे में आपका क्या व्यू अब बन रहा है। जो इंडियन लार्ज फार्मा कंपनी थी जो फ्रेट को लेके, जो रॉ मटेरियल्स को लेके इश्यूज फेस कर रही थी, इन्वेंट्री बढ़ गई थी कुछ पोर्ट्स पे, वो इश्यूज आपको अब सुधरते हुए नजर आ रहे हैं? रेगुलेटरी ग्लेयर भी बहुत ज्यादा था, वो भी मैनेज होता हुआ नजर आ रहा है? मैंने एक चीज मतलब जैसे बहुत अभी डिटेल में स्टडी नहीं की है, जैसे आपने वो पोर्ट्स की बात करी तो अभी क्या स्थिति है मुझे एग्जैक्टली तो मालूम नहीं है, बट फार्मा में जैसे जनवरी में हम लोगों ने थोड़ा बहुत बढ़ाया था अपना जो इन्वेस्टमेंट फार्मा में, ओवरऑल इंडस्ट्री में दो दो तीन स्टॉक्स में, तो रेगुलेटरी उस सुपरविजन मेरे ख्याल से वो शायद उतना कुछ कम हो ऐसा मुझे नहीं लगता है। वो तो इशू रहेगा। आई डोंट थिंक कि वो रेगुलेटरी जो निगरानी है इंडियन फार्मा कंपनीज की, खास करके कि इतनी कंपनीज में प्रॉब्लम आई जब वो इंस्पेक्शन में और ये सब में, तो वो मेरे ख्याल से तो नहीं खत्म होती, मुझे नजर आती। मैंने देखा एक बड़ा केमिकल कंपनी SRF भी आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा है। इंसिडेंटली ये वो कंपनी थी जिसने अभी हाल ही में अपने ग्रॉस ब्लॉक से 3 से 4 गुना ज़्यादा कैपेक्स अनाउंस किया, और उसके बाद मैंने ऑब्जर्व किया ये ही नहीं, बहुत सारी कम से कम आधा दर्जन केमिकल कंपनीज ने इंडिया में ज़बरदस्त कैपेक्स अनाउंस किया है। मैं इस बात को लेकर चकित था क्योंकि हालांकि स्टॉक्स में थोड़ा प्रेशर है, लेकिन ये कंपनीज कुछ तो देख रही होंगी 2 से 4 साल आगे, जो इतना ज़बरदस्त केमिकल कैपेक्स अनाउंस कर रही हैं, जो बियॉन्ड नियर टर्म देख रही हैं। तो केमिकल स्पेस में बड़े बड़े कैपेक्स के ऐलान जो हुए लास्ट 1.5-2 महीने में, आपकी राय, आपके पास भी एक बड़ा केमिकल कंपनी है अपने पोर्टफोलियो में? केमिकल कंपनीज में आपको थोड़ा सोच समझ के ही, मतलब केमिकल एक इतना ब्रॉड चीज है ना कि उसमें आप कह नहीं सकते कि सेक्टर ऐसा लगता है, बिकॉज हर कंपनी का डायनेमिक अलग होता है, बिकॉज हर एक अलग अलग केमिकल बना रहा है। जैसा पिछले साल की स्थिति थी, कुछ कंपनीज के लिए एकदम बम्पर ईयर था क्योंकि उनका जो उत्पाद था उसका भाव बढ़ गया, जबकि कई कंपनीज थी जिनका मार्जिन कम हो गया, कईयों का खत्म ही हो गया, लॉस में भी चली गई, क्योंकि उनका जो इनपुट था जो वो इस्तेमाल करते हैं अपना उत्पाद बनाने के लिए उसका भाव बढ़ गया था। अब कुछ कुछ उलट हो रहा है कि वो भाव घट रहे हैं क्रूड के और कुछ और बेसिक केमिकल्स के, तो वो आपको देखना पड़ेगा। कुछ कंपनीज तो जैसे
केमिकल में है कि वही कि आप चाइना को रिप्लेस करने का देख रहे हैं, निर्यात के लिए भी और डोमेस्टिक बाजारों के लिए भी, क्योंकि कई ऐसी चीजें थी जिसमें हम लोग धीरे धीरे करके पूरी तरह चाइना पे डिपेंडेंट होते जा रहे थे या बहुत हद तक चाइना पे डिपेंडेंट हो रहे थे। तो वो तो आपका एक्सपोर्ट और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, वो दोनों भी कारण है कि जहां जहां केमिकल्स में कंपनीज को लगता है कि इस केमिकल का भाव अच्छा रहेगा तो वो उस हिसाब से कैपेक्स करती हैं। पर एक चीज वैसे है कि केमिकल्स इज अ हाईली वॉलेटाइल स्पेस, तो वो मतलब साल दर साल वो केमिकल का भाव क्या होगा वो कहीं से कहीं भी जाता है। तो ये एक उसकी पिक्यूलैरिटी आप कह सकते हैं, उस जो एक अलग तरह की चीज है उस इंडस्ट्री की, कि आप उसमें प्रिडिक्टेबिलिटी, अगेन फिर ये हर चीज में नहीं लागू होता, पर क्योंकि आपको देखना पड़ेगा किस केमिकल की हम बात कर रहे हैं, बट बहुत सारे केमिकल ऐसे हैं जिसमें साल एक साल से दूसरे साल, कोई साल एकदम बम्पर ईयर होता है, कोई साल मार्जिन एकदम कम हो जाता है। देविना, आखिरी सवाल, बॉल बेयरिंग्स, आपके पास इंडियन बॉल बेयरिंग कंपनीज भी हैं, बेयरिंग कंपनीज, आपके पास ओवरसीज एमएनसी बेयरिंग कंपनीज भी हैं, और इन्होंने भी बड़ा अच्छा कमेंट्री दी है नेक्स्ट दो तीन साल की। आप अभी विजिबिलिटी आपको मिल रही है कैपेक्स और बेयरिंग्स एज अ प्ले पे? देखिए, आई मीन ओवरऑल, नॉट जस्ट बेयरिंग, ओवरऑल जो इंडस्ट्रियल मशीनरी और कैपिटल गुड्स वाला स्पेस है, मतलब उसमें छोटी इंडस्ट्रियल मशीनरी से लेके बड़े तक, ये स्पेस हमको अच्छा लगा है लगभग 1.5 साल से। ये अक्टूबर 2021 से हमने इसमें पोजीशंस ली हैं, और आप इंडेक्स के बनस्पत देखें तो ये शायद हमारा सबसे ज्यादा ओवरवेट सेक्टर रहा है, और वो सेक्टर बहुत लंबे समय का जो डाउनटर्न था, लगभग 2009 से आप समझ लीजिए 2021 तक बहुत लंबा समय था, उसमें एकदम खराब परफॉर्मेंस आया उस सेक्टर का। आप कंपाउंडिंग अगर सेक्टर के वो इंडेक्स का देखें तो कुछ 2.5% ही रहा, जबकि निफ्टी का कुछ 9.5% था उस दौरान। तो वो मतलब इतना जब लंबा समय होता है जब कोई सेक्टर अच्छा नहीं करता और उसके बाद अच्छा करना शुरू करता है तो वो थोड़े दिन चलता है, एक ये बात है, और क्योंकि फंडामेंटल्स भी चेंज हो रहे थे, ऑर्डर बुक बढ़ रही थी, और दूसरी बात है कि 10-12 साल जो कंपनीज का इतना पेन रहा तो उन्होंने अपना सब कुछ क्लीन अप किया, कॉस्ट कम की, तो जब बिजनेस आया तो मार्जिन अच्छा खासा आ गया। तो अब ऑफ कोर्स उसकी काफी कुछ हम स्टोरी कहें तो प्ले आउट हो चुकी है, तो कई जो कंपनीज हम लोगों ने ली थी वो 2-3 गुना भी हो गई, तो कुछ हद तक हमने प्रॉफिट बुकिंग भी की है, पर अभी भी वो काफी ओवरवेट है हमारे लिए एज अ सेक्टर। एक्चुअली हमारे सिस्टम्स को भी अच्छा लगता है। देविना, मॉर्निंग, एक बहुत इंटरेस्टिंग रिपोर्ट बूफा की भी आईटी स्पेस पर आ रही है, और उसमें उन्होंने कई सारे रीजन साइट किए हैं कि Q4 में आप प्रेशर देख सकते हैं, पहले डाउनग्रेड्स कहाँ पॉसिबल है, जो परफॉर्म नहीं कर सकते आगे की गाइडेंस कैसी होगी, उसमें उन्होंने जो रीजन साइट किए, जो BFSI सेगमेंट पे ज्यादा है वो उनकी रडार पर थोड़ी डाउनसाइड ज्यादा दिख रहे हैं, तो क्या ये कंसर्न सिर्फ एक क्वार्टर का नहीं है, आगे भी खिंच सकते हैं आईटी स्टॉक्स पर, और स्पेशली उन स्टॉक्स पर जिनका BFSI सेगमेंट में एक्सपोजर है, उस पर क्या व्यू बन रहा है आपका? मुझे आपका बीच में आपका ऑडियो लॉस हो गया था तो मैं पूरे प्रश्न तो नहीं सुन पाई हूँ, पर आईटी सर्विसेज में हम लोग बहुत नेगेटिव नहीं है, स्लाइटली ओवरवेट होंगे, थोड़ा ज्यादा मिड कैप में होंगे रादर देन लार्ज कैप, बट लार्ज कैप भी है अपने पास आईटी, तो वो आपकी बात एक तरह से तो ठीक भी है कि हाँ BFSI पे थोड़ा तो असर पड़ेगा, बट दूसरी चीज लोग बोलते हैं कि नंबर ऑफ बैंक्स कम हो जाएंगे, मैंने कहा अगर मर्जर होता है तो एक्चुअली मर्जर के शुरू के चरणों में तो आपका बिजनेस काफी बढ़ता है, बिकॉज आप समझ लीजिए जैसे अब UBS और क्रेडिट स्विस, अगर आप दोनों का सिस्टम मर्ज करना चाहेंगे तो वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, तो आई डोंट थिंक कि मतलब कोई बहुत बड़ा रिस्क मुझे आईटी सर्विसेज में नजर आ रहा है, तो ठीक है थोड़ा अप डाउन होगा, और जैसे एक्सेंचर ने भी लोगों को निकाला वो भी एक सिग्नल है कि थोड़ा बिजनेस उतना अच्छा नहीं है, पर
मुझे नहीं लगता कि ये मतलब कोई बहुत मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म इशू है। वैसे देखें तो यूएस है अब में पर्टिकुलरली जिस तरह से टेक सेक्टर में एक स्ट्रांग मोमेंटम है वो एक एंगल है जिसे वॉच आउट करना, लेकिन तो इस पर भी नजर है। ग्लोबल मार्केट्स की अगर बात करें देविना, इमर्जिंग मार्केट्स हैव अंडर परफॉर्म्ड। ग्लोबल सेंटिमेंट्स के लिहाज से कौन से ग्लोबल मार्केट्स हैं जो आपको स्ट्रांग लगते हैं इस वक्त? ये आपने ठीक बोला, जो लोग भूल जाते हैं कि इमर्जिंग मार्केट्स हैव अंडर परफॉर्म्ड फॉर अ डेकेड एंड अ हाफ, जो आपने कहा। सो इमर्जिंग मार्केट जो लास्ट टाइम रियली लॉन्ग फेज था जिसमें इन्होंने आउट परफॉर्म किया था वो था 2003 से 2007, जब इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स 3.5 गुना हुआ, इंडियन मार्केट 6-7 गुना हुई, ब्राजील 10 गुना। और उस समय भी ये कहानी सुनाई देती थी कि अब अमेरिका खत्म हो गया है, अब अगला दशक अगली सदी चाइना की है, इंडिया की है, ब्रिक्स की है। तो मैंने 2-3 महीने पहले एक कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए यही कहा था कि आप जल्दी ऐसी कहानियां फिर सुनने लगेंगे, बिकॉज बीच में जब 12 साल यूएस ने बहुत अच्छा किया तब ये कहानियां नहीं सुनाई दे रही थी, अभी फिर सुनाई दे रही। तो अभी आपकी बात ठीक है कि अब इमर्जिंग मार्केट थोड़ा बेहतर करने लगा है यूएस से। अभी हम लोग वही देख रहे हैं कि ये शॉर्ट टर्म चीज है कि ये मीडियम टर्म रहेगी, मतलब मैं 1-2 महीने की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सोच रही मतलब वो देख रहे हैं कि ये क्या मल्टी ईयर चेंज है कि लीडरशिप अब फिर इमर्जिंग मार्केट्स को जाएगी। यूरोप ऑफ कोर्स पिछले साल की लास्ट तिमाही से लेके अब काफी अच्छा कर रहा है, तो अभी भी हम लोग को मेक्सिको, ब्राजील, कनाडा, कुछ हद तक ताइवान भी, ये बाजार अच्छे लग रहे हैं। अगर आप शॉर्ट टर्म देखें तो अमेरिका भी अच्छा ही लग रहा है, पर वो कितने दिन आउट परफॉर्मेंस मोड में रहेगा वो कहना थोड़ा मुश्किल है। तो अगर हम लोग विश्व बाजारों में देखें तो ये वाले बाजार अधिक अच्छे लग रहे हैं। राइट, कमिंग बैक टू मोर सेक्टर्स, आई मीन आप एक इनफैक्ट रीसेंट रिपोर्ट की और उसमें उन्होंने कहा आउटलुक पर थोड़े से कंसर्न्स उन्हें दिखते हैं, अनसर्टन इनफैक्ट व्यू बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये एक स्पेस ऐसा था ऑटो में और स्पेशली फार्म डिवीजन, रूरल डिवीजन, ट्रैक्टर डिवीजन जो अच्छी कर रही थी पिछले कई समय से, और लेकिन इस तरह के रिपोर्ट्स, क्या सेंटिमेंट वहाँ भी वीक दिखता है, कंसर्न्स वहाँ आपको दिखते हैं? फार्म बिजनेस से जुड़ी बहुत सारी, एग्री थीम से जुड़े बहुत सारा बड़ा स्पेस है जो अब तक रिटर्न दे रहा था। देखिए, अब वो ये जो पूरे स्टैटिस्टिक्स होते हैं कि कितने साल मॉनसून अच्छा रह सकता है और फिर वो एल नैनो के कंसर्न, वो सब है। मतलब मैं कोई वेदर एक्सपर्ट नहीं हूँ, अपना अपने ही बिजनेस में एक्सपर्ट होना मुश्किल है, तो किसी और बिजनेस में बात करना तो मुश्किल है। बट आई सपोज वो कुछ कंसर्न होंगे कि इस साल मॉनसून कैसा रहेगा और देयरफॉर वो फार्म रिलेटेड जितने बिजनेसेस हैं उनका आउटलुक कैसा रहेगा। तो वो मतलब अनसर्टेनिटी तो है, अनसर्टेनिटी तो हर साल रहती है, पर इस साल जैसा कि लोग कह रहे हैं, मुझे वही मैंने कहा मुझे इस बारे में कोई बहुत विशेष ज्ञान नहीं है कि इस बार वो अच्छा मॉनसून होने की शायद प्रोबेबिलिटी 50% से तो कम ही है। ओके, अच्छा मॉनसून होने की शुक्रिया आपका। हैव अ नाइस डे। शुक्रिया।